दोस्तों आइए चलते हैं पलानी वाटरफॉल की तरफ। पतरातु डैम का जो मेन गेट है उसके ठीक सामने एक रोड गया है, वही सीधा रोड पकड़ के हम वाटरफॉल की तरफ जाएंगे। चलिए, यहाँ पे लोकेशन भी दिया गया हुआ है। ये देखिए, मेन रोड से थोड़ा कच्ची रास्ता उतरना है। हाँ, कच्ची रास्ता जाना है। ये स्कूल के दाएं बाएं साइड से जाना है, सीधा आप जा सकते हैं। बुलाने वाली रास्ता नहीं है और आगे थोड़ा कच्ची रास्ता आपको मिलेगी। ये देख रहे हैं खूबसूरत नज़ारा। पतरातु डैम से तकरीबन 3 किलोमीटर के दूरी पे है। बहुत से यूट्यूबर लोग बताते हैं 2 किलोमीटर का, लेकिन हमने आज आया एक्चुअल 3 किलोमीटर के दूरी पर है ये पलानी वाटरफॉल पतरातु। दोस्तों यहाँ पे देखिए मेन गेट है वाटरफॉल का, हम लोग पहुँच चुके हैं। और यहाँ ये जो चार्ज लेगा 40 रुपया गाड़ी पार्किंग का दिया जाता है ताकि आपका गाड़ी सेफ रहे। दोस्तों जब आप एंट्री करेंगे तो आपका गाड़ी नंबर लिख लिया जाएगा ताकि आपका गाड़ी सेफ रहे। सही बात है दोस्तों, कभी भी आपका गाड़ी निगरानी में रहेगी और सेफ्टी रहेगी। तो प्लीज़ दोस्तों 40 रुपया दें और अपने गाड़ी को सेफ करें। दोस्तों आप जब 40 रुपया गाड़ी का पे कर देंगे तो आपको एक 50 रुपया का कूपन दिया जाएगा कि वहां आपको खाना मिलेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वहां खाना नहीं मिलता है और आप इस कूपन को न। थोड़ा सा रोड का प्रॉब्लम है, आप लोग सेफ्टी से आए, हड़बड़ी में मत आइएगा नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगा। सिंगल रोड है, अपने आप को सेफ रखें और अच्छे से आए और इन्जॉय करें पलानी वाटरफॉल का। वाटरफॉल है, पलानी वाटरफॉल के पास पहुंच चुके हैं। ये देख सकते हैं कितना ही भीड़ है, आज संडे है इसके वजह से। तो हम वाटरफॉल के बिल्कुल करीब आ चुके हैं, अभी ऊपर हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। चलिए हम ले चलते हैं आपको नीचे। रास्ता वाटरफॉल के पास डेंजरस है, प्लीज़ आप लोग सेफ्टी से जाएंगे, अपने आप को सेफ, और बच्चे साथ में हैं तो प्लीज़ आप बच्चे का ख्याल रखें और सेफ्टी में जाएं। यहाँ पे बहुत ही रस है दोस्तों, ये कितना ही डेंजर रास्ता है। ये बांस के ज़रिए ये यहाँ से खाई है। अपने बच्चे अगर साथ में आ रहे हैं तो प्लीज़ बच्चे का ध्यान रखें, और ये बांस के ज़रिए सेफ्टी दिया गया है। प्लीज़ आप लोग ध्यान से आए और अच्छे से उतरें। और ये मैं पलानी फॉल के तरफ बढ़ते हुए, दोस्तों आप प्लीज़ अपना ख्याल रखें। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही डेंजर है उतरने के लिए, आप सेफ्टी से उतरें। और ये देख सकते हैं, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही पर्यटक इस फॉल के पास पहुँच चुके हैं। दोस्तों आप इंजॉय ले आज संडे। ये देखिए, ये रहा पलानी फॉल, मैं आपको नज़दीक ले जाकर दिखाने का कोशिश करूंगा। तो चले हम चलते हैं वाटरफॉल के नज़दीक। फाइनली आप देख सकते हैं मैं वाटर पलानी फॉल के पास पहुंच चुका हूं। वाटर पलानी फॉल, ये जो हमारे पीछे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है प्रकृति का, जो ऊपर से ये झरना गिरते हुए यहाँ आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर्यटक कितने लुत्फ और इन्जॉय करते हुए, आप देख सकते हैं चारों तरफ हमारे पीछे जो है पर्यटक है वो पूरा इन्जॉय करते हुए। दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, कैमरा से दिखाने की कोशिश कर, यहाँ से आएंगे और ये सीढ़ियों के जरिए। ये बहुत ही, आप सेफ्टी से आए, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। आप देख सकते हैं मैं पलानी वाटर फॉल्स के बिल्कुल करीब हूँ दोस्तों, तो आप इन्जॉय ले सकते हैं यहाँ आके, पलानी वाटर फॉल का लुत्फ उठाइए। और देखिए ये बहुत ही ऊंचाई से गिरते हुए, इसे इसी साल जनवरी 1, 2020 को ये फॉल का खोज हुआ है और इसे इसी साल बनाया गया है। प्लीज़ आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बहुत से पर्यटक यहाँ पे इंजॉय करते हुए आप देख सकते हैं वाटर फॉल का नज़ारा लेते हैं सारे आदमी जो यहाँ पे इंजॉय लेते हैं। तो मैं आपको अपने बैक कैमरा से दिखा रहा हूँ कितना ही खूबसूरत नज़ारा है। ये पानी देखिए कितनी ही खूबसूरत
झरना बन के गिर रही है। तो प्लीज़ दोस्तों यहाँ ज़रूर आएँ और पलानी वाटरफॉल का मज़ा ज़रूर लें। दोस्तों ये वाटरफॉल पलानी वाटरफॉल है, आप इंजॉय कर सकते हैं, आइए और इंजॉय कीजिए। प्लीज़ आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना बैकग्राउंड अच्छा नज़ारा है, खूबसूरत ही नज़ारा है। दोस्तों आइए हम चलते हैं वाटरफॉल की तरफ। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, आप जब भी आएँ पतरातू डैम आ रहे हैं तो प्लीज़ आप वाटरफॉल को भी देखने के लिए यहाँ ज़रूर आएँ। पलानी वाटरफॉल बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ हमेशा दर्शकों का भीड़ लगा रहता है और ये सेफ़ एरिया है, कोई बात नहीं है और बहुत ही सेफ़ है। अगर बच्चे साथ में हैं तो प्लीज़ बच्चे का ध्यान रखें और आप आकर यहाँ इंजॉय कर सकते हैं। पलानी वाटरफॉल का आप देख सकते हैं बहुत ही ऊपर से ये पानी गिर रहा है, बरसात नहीं होने के कारण पानी का बहाव थोड़ा कम हो गया है, लेकिन फिर भी इंजॉय करने लगा कि ये पानी ऊपर से गिर के और ये नीचे होते हुए इस तरह यहाँ को जाती है और ये आगे चली जाती है। दोस्तों फाइनली हम ऊपर आ चुके हैं, पलानी वाटरफॉल से नीचे हम ऊपर आ चुके हैं। दोस्तों प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और पलानी वाटरफॉल घूमने के लिए ज़रूर आइएगा। तब तक की हमारा ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। दोस्तों दुआ में याद रखें, अस्सलाम वालेकुम, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।